जिला नवांशहर विच अज पंजाब सरकार द्वारा भेजे गए स्मार्टफोन विद्यार्थियों को दिए गए। पूरे जिले नवांशहर विच 3600 के करीब स्मार्टफोन वक्त-वक्त समागम तहत दिए गए। उत्थे इस मौके पर विद्यार्थी काफी खुश दिखाई दिते ने। उन्होंने कहा कि वह हुण ऑनलाइन पढ़ाई चंगे तरीके नाल कर सकणगे क्योंकि पहला बिना फोन तो काफी परेशानी आ रही थी। इस मौके हलका बलाचौर के विधायक चौधरी दर्शन लाल मंगूपुर और जिला प्लैनिंग बोर्ड के चेयरमैन सतवीर सिंह भल्ली चिक्की ने कहा कि कैप्टन सरकार ने जो वादा किया उन्होंने पूरा किया, विरोधी जो गल करते हूँ वह गल कर लायक नहीं रहे। नवांशहर की डिप्टी कमिश्नर शीना अग्रवाल भी मौके पर मौजूद सी। सब देख देखे सर सरकारी सीनियर सेकेंडरी समाज स्कूल की विद्यार्थी हाँ। मैं साइंस टीम रखिया हुआ है जिस कारण कैबिनेट सरकार को दिए गए फोन की मैंने बहुत मदद मिलेगी। मैं कोमल प्रिया सरकारी सीनियर सेकेंडरी समार्ट स्कूल की विद्यार्थन हाँ। जो कि कैप्टन सरकार वालों फोन दिए जा रहे हैं वो बहुत ही वधिया उपराला है, इसलिए असं कैप्टन सरकार के बहुत धन्यवादी हाँ। जो कि साड़ी ऑनलाइन सिक्ख्या चल रही है उस विच इस माध्यम नाल सानू बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। खुशी वाला तो पवित्र दिहाड़ा है जदों जन्माष्टमी का दिन है और नाल ही नाल इंटरनेशनल यूथ डे भी है और साढ़े माननीय मुख्यमंत्री जी ने साढ़े नौजवानों को यह वादा किया नेशनल मैनीफेस्टो के राही कि जोड़े लौटवंद बच्चे है उन्होंने असं स्मार्टफोन लेके देंगे और कोविड के करके स्कूल जोड़े वो बंद हो रहे हैं और बड़ी जरूरत पड़ गई सी बच्चों स्टूडेंट्स को पढ़ाई जी है वो स्मार्ट मोबाइलों के राही ये जी स्कीम है कैप्टन स्मार्ट कनैक्ट के राही जी है उस जोड़िया जा रहा है और जिन्हें भी बच्चे है प्लस टू के अज और एजुकेशन मिनिस्टर सारी कैबिनेट का मैं तह दिल तो धन्यवाद करदा जिन्होंने इलेक्शन वेले वादा किया कि असी बच्चों जिहड़ा है स्मार्टफोन देवे वो अज असी जिहड़े है बहुत ही सत्कार डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी साहब की हाजरी के जो अज असी बच्चों भी स्मार्टफोन देते हैं।